आज लेक्चर नंबर 15 हो गया ना अपना, लेक्चर नंबर 15। चलिए चलिए चलिए, बोलिए नहीं। क्लास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, देखते हैं आपको ये पहले से क्लियर है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉट इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें वेव माना गया ना इसको, तो ये क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लोकलाइज्ड बॉन्डिंग इन बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि मान लीजिए ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कोई चीज एक पर्टिकुलर एरिया में हो, तो ये बोला जाता है कि इस एटम और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे, और वहां पे शेयरिंग हो रही है। लेकिन एमओटी की बात करो तो एमओटी बोलता है कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विजुलाइज द बॉन्डिंग टू बी डीलोकलाइज्ड इन नेचर स्प्रेड ओवर द होल मॉलिक्यूल। ये बोलते हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस एटम और इस एटम के बीच में है, ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है फैला हुआ है, उसकी पोजिशन फिक्स नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल में वो है, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि दो एटम्स के बीच में है शेयरिंग जो हो रही है उसमें। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्टिट्यूट एटम्स कंबाइंड टू जनरेट न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पता है आपको ये पॉइंट, दीज आर स्प्रेड ओवर द होल मॉलिक्यूल, दे आर डीलोकलाइज। दीज न्यू ऑर्बिटल्स डू नॉट बिलोंग टू एनी वन एटम बट एक्सटेंड ओवर द एंटायर रीजन ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एटम से बिलोंग करता है, मतलब दो एटम के ऑर्बिटल्स मिल करके कुछ नया ही बना लेते हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ये इस एटम का रीजन है और ये वाले एटम का रीजन है, वो एक अलग ही तरीके की चीज बन के आ जाती है। दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर क्रिएटेड बाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल, LCAO मैथड जो मैंने आपको बताया था। Approach in which atomic orbitals of comparable energies and suitable geometry, मतलब geometry भी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ combined होने वाली होनी चाहिए। इसके through ये क्या बनाते हैं, equal number of molecular orbital बनाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए चार atomic orbital combined कर रहे हैं तो कितने atomic molecular orbital बनेंगे, चार बनेंगे। The available electron then fill these orbital in order of increasing energy. Above principle के according इसमें electron हम लोग भरते हैं, उसमें Hund's rule का भी ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं पे दो ऐसे orbitals हैं जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि pi वाले जो हैं, है ना, px and py, उनकी energy same होती है, इसलिए अगर उसमें electron fill करना है तो पहले वन वन fill करेंगे फिर doubling start करेंगे, वहाँ पे Hund's rule आपका apply होगा। फिर बात करी गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन की बात हम लोग कर चुके हैं। हाइड्रोजन का ये देखिए डायग्राम है, जिस बात को हम लोगों ने लीनियरली लिखा था इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का डायग्राम है बेसिकली। हम लोगों ने ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो कैसे लिखा था, 16 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या था, सिग्मा 2pz था, फिर पाई 2px, पाई 2py था, कितने हो गए, कितने हो गए अब इलेक्ट्रॉन, 14 हो गए। फिर क्या था, पाई स्टार वाला था ना, 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p। अब ये जो डायग्राम बनाया गया, इस डायग्राम को देखिए, ये जो लिखा है हमने स्ट्रेट लाइन में या इस तरीके का डायग्राम बनाया गया, दोनों बातें एक ही हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको।
पहला जो ये 1s और स्टार 1s है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि अंदर वाली जो शेल है वो बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करती नहीं है। ऑक्सीजन की अगर बात करो O2 मॉलिक्यूल की, तो O2 मॉलिक्यूल में बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ना, ऑक्सीजन में ये कॉन्फिगरेशन होता है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ये तो करेंगे नहीं, ये तो ये वाला दिखाया गया है ना। तो इस डायग्राम में देखिए क्या क्या दिखाया गया, 2s से स्टार्ट किया गया क्योंकि बॉन्डिंग जो होगी आउटर वाला करेगा, तो 2s, ये 2s, ये एक ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक ऑक्सीजन का, दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए गए इसमें 2s2। फिर उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक एंटी बॉन्डिंग बना और एक बॉन्डिंग बना। एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार लिखा और बॉन्डिंग को क्या लिखा, सिग्मा लिखा। इसमें दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो चार इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद देखिए इस ऑर्बिटल के बाद फिर पीजेड कहाँ गया, पीजेड कहीं दिख रहा है, ये रहा आपका, ये वाला आपका क्या है, पीजेड हो गया है ना, पीजेड में भी दो इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद ये कौन से आपके पीएक्स और पीवाई है, पीएक्स और पीवाई है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, एक ये वाला पाई और एक ये वाला। फिर स्टार वाले बन गए, स्टार में कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद जो ये वाला है, इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz आएगा ना, वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है। 16 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हो गया ना, इन चार को छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन हो गया। जोड़ लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 12 में। हाँ कौन से, यहाँ पे PX और PY को ही दिखाया गया ना, अरे ये स्टार वाला है ना, पाई एक्स है, पाई पीएक्स, पाई एक्स, टू पी एक्स और टू पी वाई है ना, जेड का, हाँ तो एक 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 तो भरे, ये PX, ये है ना PX और PY में एक एक, तो एक एक ही तो डाला हुआ है। हाँ ये इसकी बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैम इसके लिए, इसके राइट ये वाला, ये जो बने हुए हैं इसमें क्या दिक्कत है, हंस रूल के हिसाब से नहीं भरा क्यों, हाँ तुम तो पर्पल पर्पल कर रहे थे, मैं ऊपर वाले को देख रही हूँ। तुम कह रहे हो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में तो दिखा दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, ये कहना चाहते हो, हाँ वहां के पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, यहाँ पे एटॉमिक में P6 होते हैं है ना, इतने ही तो होते हैं P6, और P6 में आपके इसमें भरे हैं कितने एटॉमिक में, P4 भरा है, P4 भरा है इन्होंने, और दो को क्या कर दिया है इन्होंने, अलग कर दिया है। तो सही तो भरा है, P4 में चार ही तो होते हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं समझ गई समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि 2s2 2p4 है, ये चीज है,
है ना, तो ये 2p4 में इस तरीके से भरना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे दिखाना चाहिए। हाँ क्या एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इन्होंने दिखाया है तो एटॉमिक ऑर्बिटल को तो इसी तरीके से दिखाना चाहिए हंस रूल के अकॉर्डिंग, जो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं इस तरफ दिखा रहे हैं एओ और बीच में दिखा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एओ में तो यही सिचुएशन होनी चाहिए ना, पी फोर की ये वाली थोड़ी होनी चाहिए। पांच इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ये कॉन्फ़िगरेशन है ना ऑक्सीजन का, ये ठीक है। हाँ गार्गी बात सही है ये वाली, हाँ इन्होंने कुछ गलत बनाया, एओ ऐसे दिखाया नहीं जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे ना, चार ये पी फोर वाला इस तरीके से थोड़ी दिखा सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल तो अपने उसमें है ना, एटॉमिक तो ऐसे ही बनना था ना, क्या चेंज होते वो चेंज हो जाते। मिक्सिंग को दिखाया है अगर इन्होंने, देखते हैं पुंस रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं भरा इन्होंने, चार क्यों भरे, ऐसे क्यों भरे इन्होंने, डायग्राम भी गलत हो सकता है, जहां से मैंने उठाया है मैंने तो O2 देख के उठा लिया, पर ये तो पता है ना, ये वाली लाइन तो पता है ना, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुंस रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से सिग्मा स्टार में सिग्मा में कितने हैं इलेक्ट्रॉन वो ऐसे लिख लेंगे, अगर आपको ये डायग्राम बनाने को आए तो। कहाँ पे आ सकता है, क्लास 11th में, है ना, बाकी आपके काम की चीज क्या है, ये जो बॉक्स वाला है डब्बे बनाने वाली चीज है वो कहाँ पे आ सकती है, आपके क्लास 11th में आ सकती है, ठीक आएगी, नहीं कौन कह रहा है, आई थी ना, हाँ ऑक्सीजन की ही आई थी, डब्बे नहीं बना पाया। H2 मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन दिखाया है, देखिए 1s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोला जाता है कि जो आपका बॉन्डिंग होता है वो अपोजिट स्पिन वाले के बीच में होता है ना, एक की स्पिन आपकी अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी की कौन सी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते समय हम क्या ध्यान देंगे, अगर H2 का बना रहे हो 1s1 है इसका, तो इसका क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अलग अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद सिग्मा 1s हो गया और सिग्मा स्टार 1s हो गया, इसमें बॉन्डिंग हो रही है, दो ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1+1 2 ही तो भरने हैं हमको, तो हम केवल सिग्मा 1s में भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s क्या हुआ है, खाली पड़ा हुआ। अब कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर के भी बनाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक जगह डॉट है और दूसरी जगह क्या है आपका, ये देखो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना, ये स्टार वाली स्पीसीज है एंटी बॉन्डिंग है और ये क्या है आपकी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में अगर देखो तो बॉन्डिंग में सेम टाइप की चीजें एड अप होंगी, जैसे यहाँ डॉट फिर ये पॉजिटिव फिर ये डॉट फिर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ना हो,
न्यूक्लियस टाइप कंसीडर कर रहे हैं या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है ना। और डॉट बनाई हुई है, इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, यहाँ पे देखो माइनस लगा दिया है, वही साई ए माइनस साई बी, उसको डायग्रामेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। अब बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, पूरा कंसीडर किया जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अलग तरीके से है, और इनके बीच में ये एक प्लेन टाइप का बनाएंगे हम, इस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जी ठीक। ये उसी तरीके का डायग्राम, कुछ खास नहीं है, मतलब थोड़ा और अलग तरीके से। बाद में कर लेना पीडीएफ से। और क्या है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन आ जाएगा तो रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा दिमाग में। ओ हाँ, इतनी सारी तो लिख लीजिएगा बाद में। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हुई थी उस दिन, है ना। ये आपके क्या दिखाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है। पैरामैग्नेटिक को क्या बताया था, अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और डायमैग्नेटिक क्या होता है आपका, सब्सटेंस रिपेल होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी यही बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये सब्सटेंस है आपका, इससे क्या है अवे जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, फील्ड लाइन्स पास आ रही है इसी में, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात हो गई, ये नोट कर लो अगर नोट करना चाहो, ठीक है, पीडीएफ से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का छूटा हुआ है तो। डेफिनेशन देख लो, द टर्म पैरामैग्नेटिक रिफर्स टू अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अट्रैक्शन होता है। डायमैग्नेटिक में क्या है, रिपल्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेट के बीच में, उसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आप रख दोगे, तो एक चीज जो होगी, पैरा जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो डाया होगा वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो रिपेल होगा। फिर पहचानते कैसे हैं, अगर हमें एक्सपेरिमेंट करने को मिला तो हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब्सटेंस का नाम दिया है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, तो आप क्या करते हो, ऑर्बिटल बनाते हो और देखते हो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरा, और नहीं होंगे तो डाया, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड सिस्टम है, पूरा सिस्टम अगर पेयर्ड है तो डाया हो जाएगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अगर अनपेयर्ड है, एक है ज्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये और क्या, असली वाली से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, क्या है समृद्धि, क्या कर रही हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर एक्सटर्नल आपने लगाई है, तो अगर इस सब्सटेंस में, जो आपका सब्सटेंस है जिसको आप पैरामैग्नेटिक कह रहे हो, अगर उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, अगर इसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वाला सब्सटेंस क्योंकि रिपेल होता है, इसलिए अगर इसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिटेड ओनली बाय सेलेक्टिव मटेरियल्स, मतलब इसमें कुछ ही मटेरियल्स हैं जिसमें अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। वीक मैग्नेटिक बिहेवियर जनरली इज शोन बाय ऑल मटेरियल्स एंड इजिली सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर कोई बहुत हैवी मैग्नेट लगा दिया जाए तो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है
वो इतनी ज्यादा आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब रिपल्शन कैसा है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, हल्का फुल्का रिपेल। क्लियर है बात? होमो लोमो तो अभी नहीं बता रहे, होमो लोमो नहीं, अब आगे बात करते हैं। अब एमओ थ्योरी पे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका 3 पेज में आ जाएगा जो अभी तक का कंटेंट हुआ। अगर बड़े पेज हैं आपके, इस रजिस्टर पेज है अगर, तो 3 पेज में इतना कंटेंट आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, वो दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ठीक है। अब कुछ सवाल करेंगे ना एमओ थ्योरी पे, एमओ थ्योरी के कुछ और बातें हैं तो। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बारे में बता दिया था ना, डिफरेंस भी पता ही है। एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो, स्टार बनाओ पॉइंट लिखो। सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस, सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा वन एस सिग्मा टू एस सिग्मा टू पी जेड हैव नो नोडल प्लेन। ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा स्टार टू एस सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार वन एस सिग्मा स्टार टू एस सिग्मा स्टार टू पी जेड, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई हैव वन नोडल प्लेन। मतलब इसमें कोई ऐसा प्लेन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो। फिर पाई टू पी एक्स स्टार वाला है ना, पाई टू पी एक्स कौन सा स्टार, पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई हैव टू नोडल प्लेन्स। पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई हैव टू नोडल प्लेन्स। इतनी अंदर की जानकारी से क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन बना दे तो आपको क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। अब देखो लिखो आप, इफ टोटल हेडिंग डाल लो, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 15 इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 15 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 15 इन अ स्पीसीज देन कॉन्फिगरेशन, तब कॉन्फिगरेशन कैसे करना है। देखो 15 के दो केस बन सकते हैं, एक 14 तक के लिए था कॉन्फिगरेशन का तरीका और एक 16 और 16 से अबव था, है ना। ये मतलब एक 15 से पहले वाला बताया था और एक क्या बताया था, 15 से ज्यादा वाला।
जैसे मान लो एन टू है, तो एन टू में 7+7 14 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक। अगर हम कोई स्पीसीज बोल दें एन टू माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7+7+1 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। तो अगर स्पीसीज 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम से बनी है, हमने क्या देखा एन टू माइनस है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाले से बनी है ना, एन टू से बनी है, उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आया तो ये बनी है। तो अगर इससे बनी हुई है 14 वाले से, तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा? 14 वाला रूल लगाओगे जो एन टू बी टू सी टू के लिए लगा था। किसके लिए लगा था? बी टू सी टू एन टू के लिए जो रूल लगाया था हमने, उस रूल में क्या था? उस रूल में ये वाला जो था ऑक्सीजन का जो लिखा था हमने, उसमें सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद 2pz आ जाता था सिग्मा वाला। ये 2pz दो और ऑर्बिटल के पीछे चला जाएगा, पाई एक्स वाले के, दोनों पाई वाले के बीच में चला जाएगा, मतलब पाई का जो स्टार बना रहे हो और पाई का जो नॉर्मल वाला है उन दोनों के बीच में आ जाएगा, बॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग के रूल में बस इतना ही डिफरेंस था। तो यानी 14 वाले के हिसाब से बनाओगे तो 14 वाले ऑर्डर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन 15 है, तो 15 ऐसे भी हो सकता है ना, ओ टू में 16 होता है, 8+8, ठीक। अब मान लो ये सिस्टम बना हो इस तरीके से, ओ टू प्लस, तो ओ टू प्लस क्या हो जाएगा आपका? 8+8-1 ये बन जाएगा ना, तो ये भी तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से लिखेंगे? 16 वाले रूल के हिसाब से। अब आपका काम क्या है? दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है, N2 प्लस का और O2 प्लस का, है ना, और चेक करना है कि दोनों में क्या कोई डिफरेंस आता है। हमने अलग कॉन्फ़िगरेशन लिया तो क्या बॉन्ड ऑर्डर अलग हो रहा है? कोई चीज़ डिफरेंट हो रही है? एक ही पेज पे हाफ हाफ करके बनाएंगे। दोनों रूल आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, दोनों रूल से करिए, करके दिखाइए मुझे। हाँ, एन टू प्लस का लिखना है और किसका लिखना है? एन टू माइनस का और ओ टू प्लस। हाँ, बनेगा ना? क्यों नहीं बनेगा? यहाँ बनेगा, ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा है मैंने? बादल, क्या दिक्कत है? दूसरी कॉपी है तो इनसे ले लो रूल, एक लाइन का तो रूल है, दोनों रूल नोट करो, डनाडन पास में आ जाओ। बैग के लिए एक काउंटर बनवाना पड़ेगा लगता है, है ना, दिक्कत होगी बच्चों को, दिक्कत होती है। लिखो लिखो, अथर्व क्वेश्चन समझ में आया? निकिता, आज क्या हुआ, आए क्यों नहीं आप? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, कोई पैराडाया में कोई चेंज है? दोनों रूल से करो दोनों का। N2 माइनस और O2 प्लस कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में दोनों? निकालो, सब लोग करिए, सिखाया है ना आपको,
अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या मामला है, खराब है? सो हम क्या कर रहे हैं? अगर आपको रूल नहीं आता तो अगल बगल वालों से रूल पूछिए, करिए, टाइम वेस्ट ना करें। नहीं आता है तो रूल ले लीजिए, रूल नहीं किया हुआ है तो दो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, याद रखिए पाई वाले में पहले एक एक। मैं बताऊं? हाँ चलिए आप लोग करिए, आप बोर्ड पे ना देखिएगा। पहले हम लोग कर रहे हैं एन टू माइनस सेवन प्लस सेवन प्लस वन, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए। सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस, सेम ही आ रहा है। सिग्मा स्टार टू एस टू, पाई टू पी एच टू, पाई टू पी वाई टू, कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 15 ना, दो चार छ आठ दस बारह हो गए। सिग्मा टू पी जेड टू, फिर क्या होगा? पाई स्टार वाला होगा ना, टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, तो एक ही भरना, तो एक में भर लेंगे, है ना? सही है ये, एन टू वाले के हिसाब से करा है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो जी क्या लोगे, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना। हाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त इसको क्यों लेंगे, इसको तो लेंगे ही। हाँ वन ही लेंगे ना, जो वन है तो वन ही लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, लिखी आपने कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर निकाले। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ये बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन बॉन्ड ऑर्डर निकाले, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। फॉर्मूला कैसे याद रखना है? अल्फाबेट चलता है ए बी, ये क्या चल रहा है बी ए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। कितने हैं? दो चार छ आठ दस, दस दिख रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? पांच, तो 2.5 आएगा। ठीक, अब उससे निकाल लें, दूसरे वाले से, O2 वाले रूल से करें। सो हम कर लिया, अब O2 में क्या था, O2 प्लस बन रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, पहले शेल के छोड़ भी सकते हैं आप, है ना? सिग्मा स्टार टू एस टू, पहले शेल का हटा भी सकते हैं, हटा के भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो उस समय क्या देखना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन का जैसे है टू सिक्स, तो अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन का लिखना है, सिक्स प्लस सिक्स बाहर वाले, लेकिन पूरे को लिखेंगे तो ज्यादा ठीक है। सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एक्स टू, फिर सिग्मा टू पी जेड आ जाता था ना, कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो गया, दस का हो गया। अब पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, यहाँ यहाँ तक दो दो का हो गया, चार का, फिर क्या आएगा, पाई स्टार वाला आ जाएगा, टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई, तो खाली रहेगा, है ना, जीरो लिख दो। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बस टू पी जेड उधर की तरफ है ना।
तो क्या बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर। सेम इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्डिंग का, उसमें कोई दिक्कत, पैरामैग्नेटिक है। सवाल किए जाए अब कुछ। सीएन माइनस का करवाया था लास्ट टर्न पे। सीएन माइनस का करवाया गया था लास्ट क्लास में, बोलिए। सीएन माइनस, सीएन माइनस का करके देखिए। सीएन इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना, सीएन माइनस का बोला गया है, तो कितना है, 6 + 7 + 1, 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया है ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अगर है तो N2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा। N2 में आपको पता है बॉन्ड कैसे बनते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे O2 में हमें पता होता है कि बॉन्ड कैसा बनता है, O डबल बॉन्ड O। हाइड्रोजन में पता होता है बॉन्ड कैसा है, S सिंगल बॉन्ड H। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ऐसे आता है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इस केस में, ठीक। कोई दिक्कत, एमओ थ्योरी पे जो सवाल आए हुए हैं जेई में उनको करेंगे ना, क्योंकि ये क्या है आपकी थ्योरी, आएगी आएगी, इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल हाइब्रिडाइजेशन का, इसका सवाल आना ही है जेई में। चलो भैया करते हैं। B2 Li2 क्वेश्चन लिखिए, B2 Li2 B2 Li2 C2 C2 माइनस O2 माइनस O2 प्लस He2 प्लस। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं ना आपको, यानी कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख करके चेक करना है किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, कितनी पैरामैग्नेटिक है इसमें से जितनी भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन को क्या बोला जाता है आपके उसमें, अगर आपने थोड़ा सा भी हल्की सी भी ठीक से पढ़ाई की है तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको, 7 क्वेश्चन आते रहते हैं, हल्के क्वेश्चन आते हैं, ये हल्का क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पक्के तरीके से आता है तो आप खटाखट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और पैरामैग्नेटिक कौन-कौन से, फटाफट करिए। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिथियम का 3 होता है, लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
ये होता है ना, 2pz बाद में चला जाता है। 10 हो गए। ये पैरा है, दिख रहा है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है B2 में। ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चा पार्टी पैरा Li2 को देखिए, 3+3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। खेल खत्म, सारे पेयर्ड हैं डाया। C2 को देख लीजिए, C2 में 12 है ना, नंबर भी याद रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम पैरा बन रहा है, कितने का डाया। क्वेश्चंस करते करते आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम पैरा बन रहा है, इतने का डाया, तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन भी करने की जरूरत ना पड़े। 12 हो गए, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। अब देखो B2 C2 सब एक रूल से है ना, आपने B2 का लिख लिया 10 इलेक्ट्रॉन का, तो अब 12 का लिखते हैं, तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। जल्दी करने के लिए एक एक का थोड़ी लिखते रहेंगे, यहाँ पे 10 का लिख लिया आपने, B2 और C2 का सेम रूल से चलना है, तो यहाँ पे डबल कर दो, 12 का बन जाएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, डाया बनेगा ना। ये हो गया आपका डाया, अभी तक पैरा एक ही मिला है। C2 माइनस करो भाई, क्या कर रहे हो, पेन चलाना है अपना। C2 माइनस पैरा हो जाएगा, क्योंकि अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो ना, तो किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा अगले में, यहाँ तक π2πy हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, pz वाला आ जाएगा बीच में। सब लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आलस ना करें बिल्कुल, जितनी बार लिखेंगे आपको सीरीज याद हो जाएगी, ठीक है। जब हम नया नया सीखते हैं, जब हमें आता नहीं है, तो इसको इतना लंबा लिखने में क्या होता है, थोड़ा सा आलस भी आता है, जोर भी आता है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर क्या करना है, काम तो करना ही है ना। तो ये पैरा हो गया, दो स्पीसीज मिल गई। अगली देखिए, O2 माइनस O2 प्लस O2 माइनस भी तो बन सकता है, बनेगा ना पैरा। O2 माइनस देखो, अरे ना लाइको, 8+8+1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 16। तक आपका जो सिस्टम था उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक में डबल होगा, पर एक में तो सिंगल रहेगा, पैरा ही बने। अरे लड़ो मत भाई, मैं भी पैरा ही कह रही हूँ। बादल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों मुंह बनाया हुआ है, जैसा लग रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे ब्लैंक से बैठे, खुशी नहीं दिख रही चेहरे पे, कि सवाल निकल रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हैं, यही था ना। टू पी वाई में तो वन ही होगा ना, 17 का लिख दिया, टोटल काम करो, यस मैम 17 हुए या कम है, काम करो इलेक्ट्रॉन। जल्दी करो सोहम, हो गए 17। तो ये भी पैरा हो गया इसकी वजह से, तो अब बात समझ में आ रही है, पैरा पैरा कैसे बनेंगे पैरा। O2 तक का क्या था, O2 तक का भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे,
17 कर दिया तो क्या हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया, लेकिन एक अभी अनपेयर्ड है। 18 में जाके सिस्टम क्या हो जाएगा, डाया। तो अब O2 माइनस के बाद क्या है, O2 प्लस, ये भी पैरा ही बनेगा, इसी से बनाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। 15 का बनाओगे तो 16 यहाँ तक 1 1 था, इस पे 1 इस पे 1, तो यहाँ पे इस पे 1 आ जाएगा, है ना, एक में 0 हो जाएगा, तो ये भी पैरा है। और अगला कौन सा था, एच ई टू प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया, 2 प्लस 2 माइनस 1, 3 का हुआ ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या बनेगा, बादल, बादल बोलिए, बादल बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन 3 का। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s 1, 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, ये अनपेयर्ड हो गया, तो ये क्या है, कितनी पैरा मिल गई, 2 यहाँ पे, ये लास्ट वाली है, 2 3 हो गए ना ये वाले, और इसके पहले भी तो मिले थे, इसके पहले 2, इसके पहले 2 मिले थे, लिथियम और C2 वाला नहीं है, बाकी सब है, तो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए, तो आंसर क्या हो गया अपना, 5 आंसर लिख लो, 5। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है तो कैसा सवाल था ये, हलवा सवाल था ना। अगला हलवा सवाल कौन करेगा, अब इस तरीके से स्पीशीज आपस में बात ना करें, इस तरीके से स्पीशीज दी होगी तो कर लेंगे, बोले बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी, सवाल लिखिए, ये एमओ थ्योरी का नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का, उससे क्या आपको मिलने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन पी एफ फाइव, आवाज ना करें, शांत रहें, इस क्या लिख रखा है इन्होंने, ये लिखा हुआ हाइब्रिडाइजेशन एस पी एक्स डी वाई, और पूछा है वैल्यू ऑफ वाई, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे डी में, इसके अंदर हम नहीं बताएंगे, मुझे नहीं पता, डालते हैं एंटर कर, अरे पीसीएल 5 का स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखिए, पीसीएल 5 का क्या था, sp3d, तो यहाँ सीएल की जगह क्या है, एफ है, तो सेम आएगा ना, फास्फोरस की लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, फ्लोरीन की लास्ट में कितने होते हैं, 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 40, 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 8, तो आएगा नंबर 5 sp3d, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आया ना, तो y = 1, वैसे भी कर सकते थे, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 5, नो लोन पेयर, फास्फोरस के आउटर शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए, 5pp 0lp, तो z = क्या हो गया, 5, ऐसे भी आ जाएगा, बॉन्डिंग से भी आ जाएगा और फॉर्मूला से भी आ जाएगा, ठीक है, आते हैं क्लियर है पॉइंट,
तो ये भी क्या था, इसी अब टफ दे दे, जे में आया हुआ इंटीजर है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या आ गई, अब इंटीजर नहीं देंगे, अब दूसरा देते, क्या आया हुआ है, XeF4, SF4, थ्योरी जितनी भी पढ़ ले, थ्योरी आप केमिस्ट्री में जितनी भी पढ़ ले, अगर क्वेश्चन को अप्लाई करना और सही आंसर तक पहुंचना नहीं आता है तो सब क्या होगा, जीरो। और केवल क्वेश्चन करें, थ्योरी आपको नहीं पता हो तो नया क्वेश्चन बन के आएगा तो जीरो। तो दोनों चीजों की अपनी अपनी क्या है, इम्पोर्टेंस। क्या बोला इन्होंने, इतना भारी शेप लिखे हुए हैं, मैचिंग करनी है। ये एक कॉलम है, दूसरा है आपका टी शेप, ट्राइगोनल, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, बात नहीं करनी है किसी को, आपस में क्लास से बाहर होंगे। सी सॉ, चलिए मैचिंग करनी है, ए बी सी डी, शांति से जिसको बोलना है पहले बोलेगा कि मैं बोलना चाहता हूँ, फिर ऐसे नहीं एक साथ सब नहीं बोलेंगे। मैंने नहीं मैचिंग, ये सवाल सबका स्ट्रक्चर बनाओ, डन। सुनो, जिनॉन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चर फटाफट बनाया करो। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फटाफट स्ट्रक्चर बनाइए, सिंगल बनेगा डबल बनेगा। हाँ अम्मा, स्क्वायर प्लेनर मतलब नहीं, ऑक्टाहेड्रल में तो, लेकिन अगर उसमें दो लोन पेयर है तो लोन पेयर शेप में आएंगे नहीं, यहाँ शेप दिया, शेप दिया हुआ है, ज्योमेट्री नहीं। चलो बनाइए, कैलकुलेट करके दिखाना है मुझे, ऐसे हवा में नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट, स्ट्रक्चर से निकाल के मुझे दिखाइए, निकालो स्ट्रक्चर। XeF4 का मैं बना के दिखाती हूँ। जिनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बन गए सिंगल। अब 8 इलेक्ट्रॉन थे तो इसके पास 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते हैं, ज्योमेट्री में कंसीडर करते हैं। तो अगर ये, अगर वैसे ज्योमेट्री बोलते तो ऑक्टाहेड्रल बनती, ऑक्टाहेड्रल बनती ना, 4 स्क्वायर में एक ऊपर और एक नीचे, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या बनेगा शेप, स्क्वायर प्लेनर। सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो। बीपी प्लस एलपी लेना होता है, बीपी प्लस एलपी से हाइब्रिडाइजेशन पता लगता है। बीपी 4 है, एलपी 2 है, नंबर क्या आ गया, 6। 6 नंबर का मतलब क्या है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे लगाना है आपको, 4 फ्लोरीन को इस तरीके से स्क्वायर पे, 2 लोन पेयर को सेम पोजीशन पे, ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, तो ओवरऑल में फिर क्या बनेगा, स्क्वायर। SF4 का बनाइए,
SF4 का बनाए, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बोलेंगे। निकिता क्लियर है ये वाला XEF4 वाला? एक मिनट सबको समझ आना चाहिए ना, कोई क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आए नहीं है, सर गड़बड़ बात हो जाती है। जिनको नहीं आ रहा हो ये लोग आगे आगे बोलते हैं, आप चुपचाप पूछ लेंगे मुझसे, मैं रुक के आराम से बताऊंगी। ऐसे फोर पे आ जाए, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 बना लिया इसने सिंगल बॉन्ड तो एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है? तो क्या बना है, बीपी प्लस एलपी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर 5। तो क्या बनना चाहिए इसको, 5 का मतलब क्या बनना चाहिए, sp3 क्या बनना चाहिए इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनना चाहिए, ज्योमेट्री बनेगी ये, हाँ? लेकिन SF4 के केस को याद भी रखिए कि SF4 में बनता कैसे है, बताया था ना आपको कैसा था। लोन पेयर ऐसे लगता है, ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, देखो लोन पेयर इस पोजीशन देख पा रहे, तो ज्योमेट्री तो वही है, शेप क्या हो गया, शेप में इसको छोड़ देंगे, इसको क्या बोलते हैं, लगता नहीं है लेकिन ऐसे करके ऐसे टिल्ट करके ऐसे समझते हैं। एक बैठेगा तो कैसे होगा, चलो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, CLF3, आवाज ना करें, CLF3 में फ्लोरीन, ये शेप नहीं बनाया मैंने, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पहले हाइब्रिडाइजेशन तो निकालें। CLF3 में क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से बॉन्ड बना लिया तो 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, तो क्या आएगा, LP2 BP 5 आ गया Z, तो होना क्या चाहिए था, SP3 D, ठीक है? ये कैसे लगता है, कौन सा शेप बताया था इसका, इसको टी बोलते हैं, ये सब को दूर करते हैं, उससे क्या मतलब है दूर करते हैं, कौन फील ले रहा है, टी शेप हो गया, आप बोलेंगे कौन सा टी है, ऐसे कर लो, सबके लिए क्या करना पड़ रहा है, अपनी गर्दन को अब क्या बच गया, ये इंटीजर नहीं था है ना, मैचिंग था, पर शेप अगर याद है तो क्या हो गया, इजी सवाल है। अब BF3 तो पता ही है कौन सा, 50 बार आपको बैक बॉन्डिंग सिखाई, ये सिखाया तो BF3 का मॉलिक्यूल कई बार बनाया हुआ है, किस तरीके का होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे ही बना सकते हैं, मैं अक्सर करके कैसे बनाती हूँ इसको, एक ही बात है, सेम बात है। ठीक है, बढ़िया सवाल था, तो क्या मैं ढूंढ ढूंढ के इजी थोड़ी करा रही हूँ, ऐसे ही आते हैं, खेलिए फिर, ठीक है, ये मेंस का सवाल है,
एडवांस का करा दें? चलो चलो नेक्स्ट सवाल करो। ऑनलाइन बच्चों को क्लियर था ये सारा ये क्वेश्चन? ट्वेंटी वन में आया हुआ है। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बोर्ड पे ध्यान दें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना होता है इन स्पीसीज का तो इसके लिए फॉर्मूला है रूट ऑफ एन, एन प्लस वन था कि टू था, रूट ऑफ एन एन प्लस वन था टू था, मुझे तो टू याद आ रहा। ठीक है, एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके ये वीडियो भी बन रहा है तो आपकी आवाज मेरे से ज्यादा आ रही है तो ये ना करें प्लीज। आप लोगों की आवाज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें निकालना है, किसमें निकालना है वो स्पीसीज तो मैंने दी नहीं। बी टू बी बी टू प्लस में दिया हुआ है। देखो ध्यान से, बी टू प्लस का ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है रूट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पावर माइनस टू, बोर मैग्नेट ऑन, इसकी यूनिट होती है बी एम, एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में क्या दिया है? इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कौन सी स्पीसीज है? बी टू प्लस है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पावर माइनस टू। तो कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर एन होगा उससे ये निकालेंगे, फिर उसको इक्वल टू करेंगे इसके एक्स मल्टीप्लाइड बाय, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। निकालिए, कोशिश करें सब लोग जल्दी से। रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होती है, इसमें दी हुई है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी दिया हुआ है रूट थ्री का वैल्यू 1.73। निकाल लिया आंसर? आद्या आया? बोले ना, मैं करके बता रही हूँ ध्यान से। देखें बी टू प्लस का लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, बी टू में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी टू प्लस में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो भर लेते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद क्या आता है? पाई वाले आते हैं ना, पाई 2p x 1, कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? एक यही पे तो दिख रहा है, 1 लास्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई n की वैल्यू। तो म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट थ्री आ रहा है ना, रूट थ्री की वैल्यू होती कितनी? 1.73 इन्होंने दी हुई है। हम लोग क्या यूज करते हैं मैथमेटिक्स या कहीं और? 1.732 यूज करते हैं। पर हाँ, क्या तीन 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 हुए तो तीन तीन किसमें होगा? दो ही भरने, क्लियर है यहाँ तक बात? आप क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? जी एक मिनट मैं आंसर निकाल दूं। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? 1.73 आ गया।
क्वेश्चन भी दिया था एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10^-2, यही वैल्यू तो दी थी म्यू की, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -2 को ऊपर ले जाओगे तो 173, 173, ठीक है। अब बोलो तुम क्या बोल रही थी, बोलो। ऑनलाइन क्लियर है बच्चों? क्या म्यू निकालने के लिए? तो ये जहां वन है वही तो लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या? नहीं, किसी के किसी केस में दो भी नंबर आएगा, जहां यहां वन वन है वहां दो है, तो वन वन, यहाँ टू है तो पेयर है, अनपेयर्ड को लेना है, ये अनपेयर है, ये इस फॉर्मूला में अनपेयर्ड है, ठीक है? पक्का पक्का? ठंडी लग रही है, कुछ लोगों को बंद कर दिया जाए, क्लास नहीं एसी। मैंने लास्ट क्लास में आपको मेंशन कर दिया था कि आप बोलेंगे नहीं, ना आप बोलेंगे और ना आप बोल सकते हैं, तो क्या करना है आपको, शांति से बैठे रहना, बिल्कुल शोर ना मचाएं और आराम से बैठे, है ना। बॉन्डिंग के पी वाई क्यू कर ले, आपके ही काम आने वाले हैं, मेरे को नहीं देना चाहिए। SO3 NO3 माइनस PCl3 CO3 -2, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करें। मान लीजिए मैं 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है आपको दो ही सवाल आ रहे हो, तो 8 तो सीखोगे, वो बता। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप, नॉन पिरामिडल शेप, इंटीजर में आया क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग नॉन पिरामिडल शेप। चलो, आपने बोला नहीं है मैम ने 7 o'clock तक। चलो नहीं नहीं चलिए, शेप बताना है, शेप पे ध्यान देना है, फोकस ऑन शेप, शेप पे फोकस करना है आपको। शेप पे फोकस कीजिए, पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, नॉन पिरामिडल शेप किसका होगा, SO3 जो बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। VSEPR थ्योरी में डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर करते हो, सिंगल, सिंगल कंसीडर कर लो। VP हो गए 3, LP कोई है नहीं, तो Z क्या आ गया, 3, तो क्या आ गया, sp2। sp2 में कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल पे, तो ये क्या हो गया, TP, तो ये पिरामिडल तो है नहीं। कौन कौन सी ऐसी हैं जो नॉन पिरामिडल है, तो ये नॉन पिरामिडल हो गई पहली वाली, सेकंड निकालते हैं, PCl3 कौन कौन सी है, कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नहीं है पिरामिडल,
PCl3 निकाला जाए, तीन Cl हो गए ना, लोन पेयर होगा एक, तो Bp प्लस Lp क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन शेप पूछा है, देखो शेप, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दें, ज्योमेट्री नहीं, तो शेप तो पिरामिडल बन जाएगा इसमें। अमोनिया का शेप कैसे बनाते हो? सुहानी ध्यान कहाँ है सुहानी? अमोनिया का शेप ऐसे बनाते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता है, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल sp3, लेकिन शेप क्या हो गया, ये इसको पिरामिडल शेप बोलते हैं, ये शेप में ये कंसीडर होगा। PCl3 में भी यही चीज हो जाएगी, yes। समझ रहे हैं बात को, क्या करना है अपने, टाइम पे ध्यान ना दे, यहाँ ध्यान दे। ये तो पिरामिडल हो गया, आपसे क्या पूछा है, नॉन पिरामिड। CO3-2 का स्ट्रक्चर आपको बताया था किस तरीके का होता है, कार्बोनेट आयन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, O पे -2 है ना, O पे क्या है -2, कैसा स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है आपको? कार्बन पे कोई बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है? नहीं है। बॉन्ड पेयर कितने कंसीडर होंगे? 3, क्योंकि डबल को भी क्या कंसीडर करते हैं, सिंगल। LP0 तो Z=3, SP2 तो शेप क्या हो गया, TP प्लेनर, तो ये नॉन पिरामिडल हो गया, है ना। ऐसे ही NO3- का भी आएगा, NO3 में भी SP3 होता है। नोट कर रहा है कोई? NO3- का निकालो, चलो जैसे मैंने सबका निकाल के दिखाया। हाँ, NO3- में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक से डबल आ जाएगा। बात हो गया आपको, बनाने तो आ रहा है। NO3- का स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों। अथर्व श्रीवास्तव, बात क्लियर है? ऑनलाइन बच्चा पार्टी, NO3- का बना लो, NO3-। N के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ओ भाई, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, जो माइनस चार्ज वाला होगा उसको 1 चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो इस तरीके से, तो बीपी क्या हो गया, 3, एलपी क्या हो गया, 0, तो sp2 तो क्या बन गया, टीपी। sp3 तो नहीं आता NO3- से, मुझे क्यों याद आ रहा है sp3? 3 ऑक्सीजन सही तो लिया हमने, खुद गड़बड़ तो हाँ। क्या नाइट्रोजन के तो 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लोन पेयर कहाँ से आते हैं? सही है, ठीक है। तो कौन कौन से बन गए, नॉन पिरामिडल पूछा था ना, तो नॉन पिरामिडल तो सारे ही हो गए PCl3 को छोड़ के। ये भी TP बना था, और ये सब ट्राइगोनल प्लेनर थे, तो आंसर क्या हो गया, खुश? हाँ
बाई पिरामिडल को क्योंकि शेप सारी अलग अलग बताई गई है तो पिरामिडल में तो नहीं, क्योंकि शेप तो पूरे को लेके कंसीडर करेंगे ना, केवल सिंगल को नहीं लेंगे ना। मैदान क्या प्रॉब्लम है?